सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार किया जाए वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो ये है मेरे दोस्त, जो प्यार करता है उसकी कदर कोई नहीं करता। ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। आज का पंचांग 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, दादा या दादा के जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अपने साथी और रिश्तेदारों के अनुभव और सलाह को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लें और सावधानी बरतें। किसी बड़ी खरीदारी के लिए यह समय अच्छा है, किंतु बिना कारण खर्च ना करें। आप घरेलू चिंताओं और काम के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विजेता के रूप में सामने ला सकता है। आपकी शक्ति रोजाना के काम नहीं बल्कि आपका परिवार है। खुश रहें क्योंकि क्रोध आपके पिछले दिनों के कामों को बिगाड़ सकता है। उपवास अन्न का ही नहीं बल्कि बुरे विचारों का भी करें। आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकता है। आपके सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपनी से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगी। आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। अपने शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज के दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब हो जाने की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। संभव है आज आप अपने साथी को टॉफी और चॉकलेट वगैरह दें। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेगी। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर रहेगा। आज आपका कोई व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने वाला है। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। साथ ही अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य में रहें। इससे आपकी विचार शैली में नयापन आएगा। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है। इस व्यक्ति से आपके लिए विचारों को समझने की कोशिश करें। अपने विचार प्रकट करें लेकिन सामने वाला पूरी तरह से इसे स्वीकार करें, जिद ना करें। आपके द्वारा किए काम की वजह से अगले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को प्राप्त करना आसान होगा। टूटे हुए रिलेशनशिप को भूलकर आगे बढ़ें। बदन दर्द और बुखार की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। लाभकारी संपर्क बनेंगे। घर के रख रखाव की योजनाओं पर खर्च हो सकता है और योजनाएं बहुत अच्छी साबित होगी। अत्यधिक परिश्रम थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है। गलत कार्यों से ज्यादा खर्च की स्थिति भी बन सकती है। उधार लेने से बचें। व्यापार में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। घर में प्रसन्नता और सकारात्मक वातावरण रहेगा। ठंडी चीजें गले के संक्रमण का कारण बन सकती है। सावधानियां।
व्यर्थ के गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। कोई भी पारिवारिक समस्या होने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना उचित रहेगा। किसी मित्र की वजह से मुश्किल में फंस सकती हैं। हालांकि जल्द ही सच्चाई का खुलासा भी हो जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन लिव इन पार्टनर या परिवार के साथ मतभेद का है, जिसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। नया वातावरण आपको नए लोगों से मिलाएगा जो पूरा जीवन आपका सहयोग करेंगे। नौकरी, कानूनी समझौतों या ट्राई अप की संभावना है। किसी करीबी मित्र से फिल्म देखने या घूमने का आमंत्रण मिल सकता है। परिवार और आधिकारिक मामलों में सही संतुलन बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता नया है तो यह जान लें कि आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपने साथी के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नज़र ही काफी है। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व के ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, अब साफ होना शुरू हो जाएगी। इससे आपको यह फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और इस तरह के और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में हैं और आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हों। यह समय अपने करियर में आगे बढ़ाने या अपने व्यवसाय को विकसित करने का है, जिसमें आपके पार्टनर और करीबी साथी आपकी मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव से आप पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। अभी आपके सितारे आपके साथ हैं, बस शब्द रखें और परिश्रम करते रहें। आपकी कड़ी मेहनत आज आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेगी। यह आपकी कार्यस्थल पर आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। अपनी बिक्री और बाजार में अपना दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और सुविधाओं को लागू करने का प्रयास करें। याद रखें, अगर आप बढ़िया चीजें नहीं करते याद रखें अगर आप बढ़िया चीजें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीजों को महान तरीके से करें। कारोबारी गतिविधियों में फाइनेंस का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि नुकसान होने की अधिक संभावना है। व्यवसायियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा तथा अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान अनुभव हो सकती है। तनाव मुक्त रहने के लिए योग करें। आज का उपाय। आज आप सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दूध, दही, आटा और मिश्री इत्यादि। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।